सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो भैया उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। यार देखो, वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर लाइक बहुत कम आ रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज वीडियो शुरू करने से पहले ही लाइक बटन को दबा दे। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा, शुक्रिया। तो चलो शुरू करते हैं। तो भैया जैसा कि आपको मालूम है कि उमर अकमल अक्सर टीम से बाहर होते हैं क्योंकि उसकी कारकर्दगी पहले जैसी नहीं रही। PSL 4 के बाद सब लोग यही कहते थे कि उमर अकमल को एक चांस चाहिए। सो मिकी आर्थर ने उमर अकमल को चांस दे दिया, लेकिन वो हमारे उम्मीदों पर पूरा उतर नहीं सके और उसके बाद दोबारा टीम से बाहर कर दिया गया। और आपको ये भी पता होगा कि उमर अकमल अक्सर चरमनाक हरकत करते हैं, कभी क्लब पर जाते हैं, कभी डांस करते हैं, कभी क्या और कभी क्या। और अब PCB के स्टाफ के साथ भी कुछ ऐसा ही किया है। वीडियो आखिर तक देखिए और जानिए, और उसके बाद आप भी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने कौमी क्रिकेटर उमर अकमल का फिटनेस टेस्ट के दौरान कपड़े उतारकर अजीब हरकत दिखाने पर नोटिस ले लिया। जराये के मुताबिक उमर अकमल ने फिटनेस टेस्ट के दौरान अजीब हरकत दिखाई, कपड़े उतार कर कहा कि देख ले चर्बी कहाँ है। इस दौरान नेशनल क्रिकेट अकेडमी और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का स्टाफ भी मौजूद था। उमर अकमल के इस अमल पर स्टाफ ने PCB से शिकायत की, जिस पर PCB के एक आला अहदेदार ने उनके इस रवैये पर तश्वीश का इजहार किया। PCB जराये के मुताबिक उमर अकमल की शिकायत मौसूल हो चुकी है, उनके इस एक्शन पर जायजा लिया जा रहा है। इस मामले पर सख्त कार्रवाई का इम्कान भी है। PCB जराये का कहना था कि उमर अकमल ने फिटनेस टेस्ट में नाकाम होने पर ऐसी हरकत दिखाई, तहम माजी के रिकॉर्ड के बायस उमर अकमल के खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाएगा। तो भैया ये थी उमर अकमल के हवाले से कुछ अपडेट। जिस तरह उन्होंने टीम मैनेजमेंट के सामने कपड़े उतार कर कहा कि चर्बी कहाँ है, आप खुद ही देख ले। उमर अकमल की ये हरकत आपको कैसी लगी और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, मुझे इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।